ज्यादा आगे बढ़ करके जो कंपनियों को बीमा फसल बीमा के नाम से लूट की जाती है उसके खिलाफ लड़ता रहा और किसानों को अपना हक दिलाता रहा। पिछली 2021 की खरीफ की 181 पटवार मंडलों की क्रॉप कटिंग को देश और प्रदेश की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार कई महीनों तक उस गर्मी में पड़ाव डालकर चक्का जाम करके सरकार को बाध्य किया, क्योंकि उस किसान की फसल का बीमा हुआ है तो उसकी क्रॉप कटिंग उसको देने का राइट बनता है। लेकिन क्योंकि दोनों सरकार कंपनियों की दलाल है इसलिए उसको निरस्त करने का काम किया, उसको वापस रिस्टोर कराने का संघर्ष के माध्यम से किया और चक्का जाम के बाद सरकार के प्रतिनिधि कलेक्टर के साथ लिखित समझौता 181 पटवार मंडलों की क्रॉप कटिंग, क्योंकि नोटिफिकेशन में केवल और केवल आधार क्रॉप कटिंग है उसको छोड़ करके केवल सैटेलाइट की बात करना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कंपनी परस्त सरकारों का चरित्र नहीं हो सकता। क्योंकि सैटेलाइट से हरियाली दिख सकती है लेकिन किस फसल में क्या उत्पादन होगा ये सैटेलाइट नहीं बता सकती। लेकिन सरकार की तरफ से ये जो किया जा रहा है, जो समझौता है कि 181 पटवार मंडल की क्रॉप कटिंग से हम देंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे, जबकि फसल बीमा में ये साफ प्रावधान था कि 45 दिन में जो क्रॉप कटिंग के आधार पर जिस किसान का जितना क्लेम बनता है वो उसके खाते में 45 दिन में 1.5 महीने में पड़ जाना चाहिए। लेकिन 2021 की बजाय 2023 आ रहा है लेकिन आज तक भी वो किसान का हक है वो सरकार और कंपनी ने नहीं दिया है। और कंपनी इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि सरकार उनके साथ है, तो निश्चित रूप से किसान लड़ेगा और तमाम जो क्रॉप कटिंग का आधार 2021 की खरीफ का है वो लेके रहेगा। और न केवल ये है बल्कि जिस तरह से मोदी ने जो पूरे देश का किसान एकजुट होकर के काले कानून वापस करवाए, माफ़ी मांगनी पड़ी, वो बदला ले रहा है। इस आखिरी बजट में जिस तरह से उन्होंने किसान पे और गांव पे हमला किया है, नरेगा का बजट, खाद का बजट, खाद्यान्न का बजट, सब उसको आधा करने का काम किया है, वो बदला ले रहा है। और राजस्थान में भी जो चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए देश की एकता बनी है उसको छिन भिन करने के लिए भी कभी किसी जाति का सम्मेलन, कभी किसी जाति का सम्मेलन, उन्हीं कंपनियों के माध्यम से एक जो कंपनी राज चल रहा है, अंबानी और अडानी का चल रहा है, निश्चित रूप से मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और आज तक 9 साल में अडानी को जिस तरह से लुटाने का काम किया है उसका भंडाफोड़ अभी हुआ है। निश्चित रूप से सरकार बच रही है, उसकी जांच न्यायिक अधिकारी के नेतृत्व में होती है, तो निश्चित रूप से इस देश की जनता को लूट कर दुनिया का 3रे नंबर का हुआ था। और वो रिपोर्ट जो विदेशी कंपनी ने दी है निश्चित रूप से वो 33 नंबर पे आया है। तो ये जो लूट हो रही है, एक तरफ किसान का बजट कम किया गया है, गरीब का राशन बंद किया गया है और नरेगा में आप आश्चर्य करेंगे राजस्थान में मेटों को 2 साल से पेमेंट नहीं है, 6-6, 7-7 मिस्टोल का, मतलब 3-4 महीने का पेमेंट बाकी है, जबकि किसी भी सरकार के अधिकारी का, किसी भी मंत्री का, किसी भी विधायक का नहीं है, लेकिन उस गरीब का आज भी पैसा बकाया है। तो इन तमाम महंगाई, बेरोजगारी, इन सब बातों को लेकर के आंदोलन है और निश्चित रूप से उन नीतियों के खिलाफ आंदोलन है जिनसे देश की जनता बेहाल हो रही है और कंपनी और भ्रष्ट नेता और अफसर मालामाल हो रहे हैं, और उन नीतियों को बदलने का संघर्ष है जनता को चेतना जगाने का। निश्चित रूप से किसान जीतेगा, सरकार और कंपनी हारेगी। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की यहाँ की जो किसान सभा है वो जो भी निर्णय करेगी तो किसान निश्चित रूप से, चाहे अनिश्चितकालीन पड़ाव हो या चक्का जाम हो, निश्चित रूप से जब सरकार के प्रतिनिधियों ने लिखित समझौता किया है उसको लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है और इससे जो भी कोई परेशानी होगी उसके लिए जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होगा, यहाँ का इलाके का किसान नहीं। हाँ जी, तो ये थे हमारे किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमराराम जी, लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं दातारामगढ़ से, जिन्होंने फसल बीमा के बारे में संक्षिप्त रूप से समझाया और आगे की रणनीति के बारे में हमें बताया।